हेलो दोस्तों, आप सबका अपना चैनल फैक्ट ए टू जेड में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एस्ट्रॉइड। अक्सर हम एस्ट्रॉइड के बारे में सोचते हैं तो मन में ये ख्याल जरूर आता है कि एस्ट्रॉइड बनते कैसे और कहां से आते हैं। तो चलिए आज एस्ट्रॉइड के बारे में कुछ फैक्ट्स पता करते हैं और एस्ट्रॉइड को समझते हैं। एस्ट्रॉइड लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले सौरमंडल और उसके ग्रहों के निर्माण से बचे हुए पदार्थों के चट्टानों अवशेष है। नासा के अनुसार अधिकांश एस्ट्रॉइड मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित एस्ट्रॉइड बेल्ट से उत्पन्न होते हैं। नासा के काउंट के अनुसार वर्तमान एस्ट्रॉइड की संख्या 1 बिलियन से भी अधिक है। एस्ट्रॉइड्स चपटे या अंडाकार वृत्तों में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जो अक्सर इलेक्ट्रिकली घूमते हैं और स्पेस में कहीं ना कहीं गिरते रहते हैं। कई बड़े एस्ट्रॉइड के एक या अधिक छोटे साथी चंद्रमा होते हैं। इसका एक उदाहरण डिडिमस एस्ट्रॉइड है, जो कि 780 मीटर चौड़ा है और इसका मून 160 मीटर का है। एस्ट्रॉइड को माइनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। सबसे बड़े एस्ट्रॉइड वेस्ट्रा है, जिसका व्यास लगभग 526 किलोमीटर का है और सबसे छोटे एस्ट्रॉइड्स 10 मीटर से भी कम के होते हैं। वेस्ट्रा ने हाल ही में सेरेस से सबसे बड़े एस्ट्रॉइड का खिताब छीन लिया है। एस्ट्रॉइड्स विभिन्न आकार के होते हैं, ईंटों को वजह से डबल शेप्ड पीनट के तरह और कुछ गोल आकार के, और कुछ कुछ एस्ट्रॉइड का दूसरे एस्ट्रॉइड तथा खगोलीय पिंड से टकरा के उनका क्रिएटर भी है। हालांकि अधिकांश एस्ट्रॉइड एस्ट्रॉइड बेल्ट में छुपे हुए हैं। नासा का कहना है कि सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति का विशाल गुरुत्वाकर्षण प्रभाव कुछ कुछ एस्ट्रॉइड को अपने ओर खींच लेता है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल भी उनको अपने ओर आकर्षित करता रहता है। लेकिन हमें इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। नासा का प्लानेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस एस्ट्रॉइड जैसे खतरे को मापने और संभावित प्रभाव खतरे की प्रतिक्रिया के लिए योजना बनाने में अमेरिकी सरकार की सहायता करने के लिए एस्ट्रॉइड सहित निकट पृथ्वी वस्तुओं पर सतर्क नजर रख रहा है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब के लिए आप अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। और ऐसे मजेदार फैक्ट्स और वीडियोस के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।